मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए जोर दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ही ऐलान कर दिया था कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने वालों को राहत मिलेगी, लेकिन क्या ये राहत पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बनाने वालों पर आफत लेकर आएगी? इस सवाल को लेकर पहले ही माहौल गर्मा रहा था कि अब वित्त मंत्री ने GST घटाने का ऐलान कर सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने दावा किया था कि दूसरी बार सत्ता में आएंगे तो वो करके दिखाएंगे जिसे विपक्षी देखते रह जाएंगे, और वाकई हो भी ऐसा ही रहा है। मोदी सरकार ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है तब से वो ऐसे फैसले ले रही है जो लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आ रही है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है तो वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बर्बाद होने की कगार पर आ गई है। लोगों की रोजी रोटी पर संकट गहरा रहा है और इस मुसीबत की घड़ी में सरकार 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद करने पर विचार भी कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर ऑटोमोबाइल सेक्टर को और संकट में ला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ही ऐलान कर दिया था तो उसको लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स रिडक्शन का फायदा दिया जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर पार्किंग मुफ्त और टोल टैक्स नहीं लेने के प्रस्ताव पर भी काम कर रही है, और आज GST की मीटिंग में उन्होंने इसे लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया। GST काउंसिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर GST की दर 12% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया है। इसके अलावा EV चार्जर पर लगने वाली GST की दर को 18% से घटाकर 5% करने का फैसला किया गया है। ये नई दर 1 अगस्त 2019 से लागू होगी। इसके साथ ही GST काउंसिल ने स्थानीय अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक बस हायर करने पर GST से छूट देने को भी मंजूरी दे दी है। सरकार की राहत से पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के विक्रेताओं पर आफत गिर सकती है, जिसका खासा असर अर्थव्यवस्था पर भी देखा जाएगा। यानी मोदी सरकार का एक और फैसला देश के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। DB लाइव की रिपोर्ट।